बिहार की राजनीति में सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के सामने आए और उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए नीतीश कुमार के एक एक सवाल का जवाब दिया। नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कुशवाहा ने कहा कि इन 2 सालों में नीतीश ने 5 मिनट भी बात नहीं की। वे अपनी संतान की कसम खाकर कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री कहेंगे उस दिन हम उनसे बात करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल के भीतर होने वाली चर्चाओं को बार बार बाहर बात करते देखा है? लोगों को पार्टी में मिलकर बात करनी चाहिए। हमारा इतना स्नेह है कि पार्टी में कोई चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि कुशवाहा ने मीडिया को कहा कि यह करोड़ों लोगों के संघर्ष की पार्टी है। उन्होंने सीएम के किए गए सवालों पर कहा कि पार्टी में 1-2 लोगों को छोड़कर कई लोग आए गए हैं। कुशवाहा ने कहा कि 2 बार हम आए हैं, 3 बार नहीं। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार के बुलाने पर ही पार्टी में आए हैं। उन्होंने वादा दिलाते हुए कहा कि 2009 में 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं मंच से कहा था कि हमारा उपेंद्र जी से आग्रह है कि वो हमारे साथ आए। आज वे कह रहे हैं कि वो अपने मन से आए हैं तो उनका ये कहना गलत है। कुशवाहा ने 2020 की बातों को याद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम असहाय महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम कितने दिन ही रहेंगे, संभालिए संभालिए। ये कहना कि जब मन करे आ जाए और जब मन करे चले जाए, ये बिल्कुल गलत है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि हमारी बात मान लीजिए, अभी तो नुकसान की भरपाई संभव है, हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं। नीतीश कुमार खुद काम नहीं कर पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2009 में 17 उपचुनाव में बुरी तरह पीट गए थे जेडीयू वाले, तब उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 43 सीट आ गए तब उपेंद्र कुशवाहा याद आए। ये जब जब कमजोर हुए तब तब उपेंद्र कुशवाहा याद आए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।